हैप्पी लॉबस्टर। बहुत ही खतरनाक रोड इंक्लाइन है यार। ठीक हो? मस्त। मैं ठीक हूँ। खूबसूरत है, हम यहाँ पे थोड़ा रुके। यहाँ से छोटी 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 पौड़ियाँ हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने कपड़े लगाए, तो मैं जा रही हूँ नानी के घर। यहाँ से 1 घंटा लगता है, तो छोटी गाड़ी में तो हम जा रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो हम जा रहे हैं नानी के घर। तो अभी भाई का वेट कर रहे हैं, तो भाई अभी आएगा तो हम जाएंगे उनके साथ ही। तो फिर आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। रास्ते में भी मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ। काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है आज। मौसम का भी पता नहीं होता कब किधर बदल जाता है। आज बहुत तेज़ धूप है, कल तक बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और ये किश्तवाड़ से हम निकल रहे हैं पलमार की ओर। देखिए काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ आई हूँ। और ये है प्लेग्राउंड, जो कि बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है किश्तवाड़ में। देखिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे लोग बैठते हैं। तो यहाँ जाने के लिए कोई टिकट शिकट नहीं लगती है, यहाँ पे फ्री जाते हैं। चौगान बोलते हैं हम इसे, और इसकी भी बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं कभी आपको बताती हूँ, एक रियलिटी बहुत है, मैं आपको कभी बताऊँगी। फिर कभी मैं कोई स्पेशल ब्लॉग बनाती हूँ, फिर बताती हूँ। और ये जो है हमारा सिनेमा हॉल था बहुत पहले, इसे बंद करा दिया गया था। तो फिर यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे उस दौर में, बहुत ज़्यादा लोग आते थे, मूवी देखते थे सभी लोग। लेकिन अब जो है इसके बैक साइड एक नया सिनेमा हॉल खुला है। ऐसा नहीं है, लेकिन पहले पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, फिर जाके बिस्मिल्ला करते हैं। बिस्मिल्ला, अभी हम संग्रह बाटा से जा रहे हैं। देखिए देखिए कितना सुंदर है हमारा किश्तवाड़, देखिए कितना खूबसूरत है। मैं आपको छोटी छोटी दिखाती हूँ वीडियोस। ये है बिंद्रावन, हम यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है बिंद्रावन, देखो कितना खूबसूरत है। हम यहाँ पे थोड़ा रुके और ये देखो कितना खूबसूरत है। यहाँ पे घास भी खा रही है गाय, तो मैं नीचे उतर के थोड़ा आपको बताती हूँ। देखो कितना खूबसूरत है। थोड़ा 5-10 मिनट की दूरी पे हमारे घर से बिंद्रावन आता है। तो ये देखो गाय है यहाँ पे, एक नहीं है बहुत सारी हैं, वहाँ पे भी हैं, वहाँ वहाँ वहाँ। देखो कितना खूबसूरत है, कश्मीर से मिलता जुलता है। पेड़ ही बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्यारा। और ये ग्रीनरी तो उससे ज़्यादा, यहाँ इस पेड़ के पास बहुत अच्छे गिर गई है, इस पेड़ के पास बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है इंसान, आता है ना। आप खूबसूरत हो तभी पेड़ भी खूबसूरत आ रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखे ना। देखिए जानवर, ये क्या लगा है यहाँ पे? मक्की नहीं, मक्की कहाँ, घास है ये शायद। घास कहाँ लगाएंगे, है ना सुंदर। बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं लोगों की। देखिए आप, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, और यहाँ पे अभी घर नहीं उतने बनाया है लोगों ने, लेकिन ज़मीनें लेके रखी हुई हैं लोगों ने यहाँ पे। हाँ लिमिटेड घर है यहाँ पे। देखो दिल करता है यहीं पे बैठूँ, यहीं पे खाना लाऊँ टिफ़िन में, और यहीं इस पेड़ के नीचे खाऊँ। यहाँ पे ना मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ पे फोटो शूट करने आते हैं लोग किश्तवाड़ के। यहाँ पे हाईवे ऊपर है ना, ऊपर मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये भी दिखाओ, ये क्या है? ये तो नहीं है वो बनफश आपजी बने झूठी बनफश पोश। हाँ मामा बोल, करो कसम झूठी मत बोलो, ये पता नहीं क्या है। हाँ सूंगो क्या है, बोलती है ये बनफिश है। अब मम्मी को बोलूँगी अगर ये गलत निकला ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आओ आओ, अब जा रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं। थोड़ा यहाँ पे इसलिए रुक रहे थे, थोड़ा शूट करने दिखाने, इसलिए थोड़ा उतरे थे। देखो गाड़ियाँ, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं पलमार, छात्रू, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं।
ये झूठ बोल रही है, ये नहीं है। मामा ने मुझे एक बार बोला, अब मैं बताऊंगी ना मम्मी को, दिखाऊंगी, वरना बुनाफिश है, बुनाफिश मार पड़ेगी। स्मेल से मुझे इसका कहवा मत बनाते हैं, बुनाफिश बहुत, हाँ शायद कोल्ड कोल्ड वगैरह होता है तो उसका, हाँ कहवा शवा बना के ना पीते हैं। पता नहीं यही है कि ऐसे ही बोल रही है मुझे, घास है ये, घास का बोल रही है। देखो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, मैं आपको रास्ते में ज़ारत भी बताती हूँ। जी जी, वहाँ पे उन्होंने इबादत की हुई है, रोटी है वहाँ पे उनकी, मैं आपको वो भी ज़ारत बताती हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो दफन है श्रीनगर में। तो अब आ रहा है भंडारकुट वाला रास्ता, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कि माना जाता है टॉप 10 डेंजरस रोड्स में माना जाता है। आप देख सकते हैं ये इतनी हाइट पे है ना, पहाड़ों के बीच बीच रास्ता है। देखें बहुत ही एहतियात से यहाँ पे चलना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है। ये वाला रास्ता देखिए, अल्लाह रहम करे, यहाँ से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। रिसेंटली एक और एक्सीडेंट हुआ था, मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ से कहाँ गिर के नीचे उनकी डेथ हो गई थी। वो जो दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला रोड, वहाँ से नीचे गाड़ी चली गई थी। फैमिली थे वो, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उनमें से एक बच्चा छोटा बच गया था। तो मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ, देखिए आगे कितनी प्रॉब्लम होती है सिंगल गाड़ी को चलने में। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा वाइड कर रहे हैं ये रोड को, क्योंकि दिक्कत होती है सिंगल को चलने में। आगे से अगर कोई गाड़ी आती है तो रिवर्स जाना पड़ता है। देखिए कितनी दिक्कत से चलना पड़ता है। ऊपर वाले रोड से जो नीचे गाड़ी गई थी, देखो ऊपर वाले बिल्कुल नीचे गाड़ी गई थी, ये है वो गाड़ी। देखिए क्या हाल है गाड़ी का। और यहाँ से चेकिंग थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री करानी पड़ती है हर गाड़ी की, चाहे बड़ी हो छोटी हो, पर्सनल हो। आई लव माई इंडिया भी लिखा है यहाँ पे, तो ये जो है आर्मी के अंडर है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है और फिर जाके आगे जाना पड़ता है। और ये वाला रास्ता जो है मैं आपको बता रही हूँ, ये छात्रू है, किश्तवाड़ के साइड में एक छात्रू रोड पड़ता है, ये छात्रू का रास्ता है। तो आगे वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो कहाँ कहाँ से रोड है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये लाइन दिख रही है, ये रोड है। देखो कितनी बारीकी से रोड बनाया गया है और कितना ख़तरनाक रोड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो मैंने अपने फेस को कवर किया, मुझे थोड़ा एलर्जी है। और हम नियर अबाउट पलमार पहुँच चुके हैं। ओह देखो, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। यहाँ से थोड़ा नीचे उतर के हम पहुँचेंगे, थोड़ा चलना पड़ता है, 5 मिनट ज़्यादा नहीं। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। हेलो एवरीवन, तो खाना हो गया है, तो अभी मेरे कज़िन लोग हैं वो हम नीचे तक जाएंगे थोड़ा देखने। क्या दिखाओगे आप लोग मुझे, क्या दिखाओगे भाई? आपसे बात कर रही हूँ, शायद जो जो आपको अच्छा लगेगा। चलो मतलब ये मुझे कुछ दिखाने वाले हैं, वो नहीं होता किचन गार्डन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो चलो यहाँ से नीचे उतरते हैं, आजा। चलो छुट कम आओ आप भी। देखो यहाँ से कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर सुंदर। मैं आपको सब्जियां सब कुछ दिखाऊंगी, पेड़ दिखाऊंगी। ये देखिए ये लहसुन है, और यहाँ आके ना खाम खाम में इंसान को खुद ब खुद खुशी और हंसी आ जाती है, इतना दिल खुश हो जाता है। तो मैं अब आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, आप देखिए। ये लहसुन है, इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे लहसुन, देसी देसी लहसुन है ये। देखो आप लोग देखी नहीं होगी, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो लोग देखे, ये लहसुन है। और यहाँ पे हाँ और ये जो है यहाँ पे ये धनिया है, देखो धनिया कितना धनिया है यहाँ पे, ये भी धनिया है। पुदीना कहाँ है उस्मान? पुदीना कहाँ है? हाँ वहाँ पुदीना है, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पुदीना है। और ये जो है ये है वॉलनट का छोटू सा पेड़, छोटू सा, ये तो बहुत बड़ा बनता है बट अभी नहीं, अब ये बहुत छोटा है।
तो इसको बड़ा होने में अभी टाइम लगना है। तो ये है वॉलनट, एंड ये है ये वाले एरिया में सब जो है धनिया है, पुदीना है। तो स्मेल मुझे यहाँ तक आ रही है, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना। तो इसमें इसे ये चटनी में यूज़ करते हैं। और यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी है ये धनिया है, देखो देखो धनिया, देखो देसी धनिया। वाह, दिल करता है ये सारा उठा के ना ऐसे उठा के ले जाऊँ अपने साथ, क्योंकि मुझे धनिया पुदीना इनकी चटनी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, रियली रियली बहुत पसंद है। और ये सब्जी है, इसको बोलते हैं कश्मीरी में सतल, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बस सतल ही बोलते हैं। मैं आपको यही बोलूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। और ये देखो आशिक वहाँ से बात करते हुए, सिंबाजी बात कर रही है। सच्ची मुझे नहीं यकीन हो रहा है, दिखा रही हो फोन पे। हाँ दीदी बात कर रही है, कोई नहीं चलो बखश दिया। ये जो है ये है, मैं नीचे ना गिर जाऊँ, देखो ऊपर से कितनी हाइट है। ये है अंगूर का पेड़, पेड़ ही बोलते हैं ना, पेड़ ही बोलते हैं ना इसको, छोटे पेड़ ही बोलते हैं। इसको बन चुके हैं थोड़े थोड़े, देखो। हाँ देखो, देखो कितना छोटू सा गुच्छा है। देखो ये अंगूर है, देसी अंगूर। और यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा जो है मेंट है, पुदीना है, ये सारा जितना भी है। यहाँ से देखो आप, मैं आपको दिखाऊंगी किश्तवाड़। देखो ये किश्तवाड़ है, ये किश्तवाड़ है। और देखो देखो यहाँ से मस्जिद भी आपको दिखाऊंगी मैं। देखो देखो मस्जिद, माशाल्लाह यहाँ से मस्जिद दिख रही है जो कि बहुत दूर है। और ये है बी बी ने यार क्या बोलते हैं इसको, क्वींस इंग्लिश में बोलते हैं, क्वींस क्वींस बोलते हैं इसको। ये मतलब इसकी सब्जी भी बनती है कश्मीरी में, हम तो बी बोलते हैं, बी हाख बनाते हैं, मतलब बी ये फ्रूट भी है, सब्जी भी है, सब्जी भी बनाते हैं इसके। तो देखो इसे हम अखरोट के साथ खाते हैं। मैं आपको एप्रिकॉट का भी ट्री बताती हूँ, देखो कितने छोटू से हैं, अभी जस्ट आए हैं। तो देखो ये देखो हैप्पी लॉप्टर, हैप्पी कॉटल नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है। मेरा छोटा भाई दूध लाने जा रहा है, दूध लाने जा रहा है। अब मेरा मैं बोलो ना रुके, जरा हाथ हाथ से दिखाओ, बोलो रुको भाई, जरा रुक जा, सुन ही नहीं रहा, ये पहुंच गया पता नहीं कहाँ। इसको दूध लाने दो वापस। हाँ इसको दूध लाने दो, फिर आता है। ये देखो आज हम पहाड़ों के बीच हैं, पहाड़ों के बीच। ये देखो पहाड़, ये जो है मलबरी का प्लांट है, ट्री है। तो इस पे जो है सिल्क वॉर्म बैठता है और अपना जो है साइकिल पूरा करता है। अभी देखें आप यहाँ पे मलबरी का फ्रूट आप देख सकते हैं, ये जो है ट्री है। देखिए क्या क्या बनता है हमारे नानी के घर पे। ये जो है एवरग्रीन का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं एवरग्रीन का। और ये सबसे प्योरेस्ट हवा देता है, सबसे प्योरेस्ट। अब देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ जूम करके, देखो देखिए कितना सुंदर है माशाल्लाह, और बहुत ही ग्रीन भी है। देखो दिल करता है बस देखते जाऊँ। और यहाँ पे जो है देवदार का जो है प्लांट लगाया हुआ है, तो मेरे मामू जान ने लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देखें इस जगह लगाया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। देखें यहाँ पे आप जस्ट फील करो, और मैं भी अभी फील कर रही हूँ कि कितना पीस है यहाँ पे, कि कितना पीसफुल है यहाँ पे। दिल करता है बस यहीं, मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे रहूँ, क्योंकि बहुत सुकून है इस जगह पे, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही माइंड जो है फ्रेश हो जाता है, और माइंड को जो है आराम मिलता है 100 टेंशनों से, 100 बातों से यहाँ आके। क्योंकि यहाँ पे जब हम पेड़ों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, और ग्रीनरी को देखते हैं, तो दिल जो है खुश हो जाता है, और माइंड की जो सारी की सारी टेंशन है ना, वो भी छूमंतर हो जाती है। ये क्लाउड्स कितने रिलैक्सिंग लग रहे हैं, मन करता है कि मैं 24 आवर्स इनको सिर्फ देखती रहूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये कुछ ही टाइम के बाद गायब हो जाएंगे। देखिए वाओ माशाल्लाह, देखो अब यहाँ पे कुछ बना जैसा है ना, यहाँ पे कुछ बना है, इनकी शक्ल जो है कुछ बनी है। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैकिश है, यहाँ पे वाइट है, बिल्कुल वाइट है। कितना माशाल्लाह कितना सुंदर। ये जो है ये वाइट और ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सिर्फ लाइट के रिफ्लेक्शन से होता है, बस यही है। आप देख सकते हैं, आप जस्ट फील करो, मुझे इतना मज़ा आ रहा है दिखाने में, बोलने में, आप जस्ट फील करो कि कितना खूबसूरत है ये। ये जो है चेरी का प्लांट है, और ये हाइब्रिडेड चेरी है। ये देखो मेरे पीछे है,
मैं देखो क्या कर रही हूँ, ये देखो फ्रेश, देखो देखा इतने अच्छे हैं, वाओ ऑर्गेनिक, मजा, बहुत ज्यादा मीठे हैं, इतने मीठे मैं वो बता नहीं सकती। मैगी में ये डालेंगे ना बहुत ज्यादा टेस्टी होगा, मैगी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हम जा रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है, मैं सबको टाइम पूछ रही हूँ, 6:25 हो रहा है अभी, तो हम जो है निकल रहे हैं अब, क्योंकि अब रात भी होने वाली है, तो ये कह रहे थे यहीं पे बैठो, मैंने कहा नहीं टाइम नहीं मामा अकेले हैं, तो हम जा रहे हैं, तो सर्वर को एक हग बनता है, इधर से आओ, बैक हग नहीं बोला, फ्रंट हग बोला था, बोला था बैठो तो नेक्स्ट टाइम, अब तो इंशाल्लाह ठीक है, वो धनिया देना चटनी के लिए, धनिया वाला चटनी के लिए देना, क्योंकि हमने चटनी बनानी है, हाँ देसी धनिया। और मेरा कजिन जो है बाइक चलाते हुए देखो बाय चला गया, और देखो ये रास्ता भी कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कितना खूबसूरत है ये रास्ता वहाँ से, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुंदर है। हमारा हौलिया ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है, हम कौन से ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ चल रहे हैं आप, ये देखो कितना चढ़ना पड़ता है, हमारे आगे आगे कुछ लोग चल रहे हैं, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट पे ही है, आराम आराम से चल रहे हैं, फिर आके जाके ऊपर ऊपर गाड़ी रखी है, वहाँ तक चलना है, देखो। तो अभी हम चल रहे हैं, यहाँ से छोटी छोटी पौड़ियाँ हैं, मैं यहीं से चलूँगी, ये देखो कितना चल के आई हूँ, इंक्लाइन है यार, मैं चल रही हूँ, हवा भी चल रही, हवा के सहारे ही चल रहे हैं, खुदा रहे हम फाइनली पहुँच गए, भाग रहा है कैमरा से, मैंने इसको चुपके चुपके लाया, मैंने मैगी नूडल्स को ढूंढ ढूंढ के लाया, मैगी नूडल्स को ढूंढ ढूंढ के लाया मैंने इसे, जा रहे हैं अब, ठीक है ओके बाय बाय मैगी। और ये जो है यहाँ की मेन मार्केट है, चलते चलते हमें शाम भी हो गई, और आप देख सकते हैं ये वो दरगाह है, ये वो ज़ारत है, जो कि कश्मीर के अनंतनाग के अंदर जो है वो दफन है, यहाँ पे उन्होंने इबादत की है शेख ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। और ये जो है ये जामिया मस्जिद है किश्तवाड़ की, बहुत ही बड़ी जामिया मस्जिद है ये, खूबसूरत भी। तो फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं, आराम आराम से ही गाड़ी चला के हम पहुंचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत ही ख़तरनाक रोड से जाना पड़ता है, और रात को जो है डिफ़िकल्टी होती है वहाँ से ड्राइव करने में, तो दैट्स वाई हमने धीरे धीरे से ड्राइव करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मामा कह रही थी आराम से आना, टाइम लगे बेशक लेकिन आराम से पहुंचना, ड्राइव आराम से करना, तो हम पहुंचे हैं, तो मैं लेट ही हूँ, तो अभी थोड़ा डिनर करते हैं। आज जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, गाँव में जाना और वहाँ पे रहना और वहाँ की हवा में कुछ और ही मज़ा होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ लेकिन सुकून जो है इन्हीं जगहों पर आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा सुकून आता है, ऐसी जगहों पे बहुत मज़ा आया खाने में भी, क्योंकि खाना जो था सब ऑर्गेनिक था, घर का था, तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है, वो ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है लेकिन होता हेल्दी है, तो जो भी हमने खाया वो ऑर्गेनिक था, चाहे वो चिकन था या और बाकी चीज़ें भी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी, फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, ट्रीज थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरे स्टमक में जो है दो दिन से काफ़ी जलन हो रही है, तो कल भी मैंने डिनर नहीं किया, आज थोड़ा खाया, बट मैंने थोड़ा दवाई ले ली, तो
फिर जाके थोड़ा सा मैंने डिनर किया। इस चीज़ की, इस बात की भी जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने जो है कोफ्ते बनाए थे चिकन के, वो थोड़ा स्पाइसी बनाया था मैंने, मसाला ऐड किया था ज़्यादा, तो उसकी वजह से मुझे कल दिन में मैंने बनाया था, तो कल से मुझे इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो गलती मेरी है। तो ऐसा नहीं खाना खाना चाहिए मुझे भी या आप लोगों को भी, क्योंकि फिर नतीजा हमने खुद ही भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ सिंपल खाना खाइए, मैं भी खाऊंगी, सिंपल खाना खाती हूँ मैं, सिंपल खाना, बट कल थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा बनाऊंगी स्पाइसी, लेकिन वो मेरे को भारी पड़ गया। बार बार ऐसे दिखा रही हूँ, ये कल मैंने रात को लगाई थी, खेलते खेलते मैंने लगा ली, देखो बड़ा अच्छा बना है, तो मैं आर्टिस्ट भी हूँ। देखो बहुत अच्छा बना है, बट ये हाथ पे बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन सामने ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब जो आप मेरी फैमिली बन चुके हो, आप मेरी फैमिली हो, तो मैं आपसे हर कोई बात शेयर करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ और बताऊँगी भी आगे। तो वंस अगैन, एक बार फिर से प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मेरी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो थैंक यू, आप देख रहे हैं इसका भी थैंक यू, पुराने सब्सक्राइबर्स का भी थैंक यू, जो नए हैं उनका भी थैंक यू और वेलकम। चेंज भी कर लिया है, डिनर भी हो गया है, तो अब सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, बाय।